नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर रजक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल से। आज मेरे पास ये टीवी आया है सेंसर का, तो आज मैं आप उसके बारे में जानकारी दूंगा आपको। सबसे पहले ये मेरे पास जो सेट आया है ये डेट सेट आया है, तो ये सेट डेट था। इसमें काम निकला ये ट्रांजिस्टर के, ट्रांजिस्टर लगाया है D2499। अब ये मेरे पास ट्रांजिस्टर है नहीं, इसको मैंने निकाला, 110 वोल्टेज सप्लाई बनने लगी इसकी, ये काम करने लगा, इंडिकेटर काम करने लगा, ग्रीन कलर का जलने लगा। अब इसकी जगह पे मैंने लगाया ये ट्रांजिस्टर है मेरे पास C5296। ये 5296 जो लगाया, ये डी है और ये सी है, यानी इसमें डायोड लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा है। ये लगाएंगे तो ये काम करता नहीं है, यहाँ पर लगाएंगे तो ये चलेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, इसको डी बनाना है। डी बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ चेंजेस किए हैं जो यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे, देखिएगा। ये कि ये डायोड लगाया है BC157, ये डायोड है BA157 ये डायोड लगा हुआ है, और ये 56 ओम से एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ा। ये एमीटर टू कलेक्टर डायोड है, और बेस टू एमीटर पर ये रेजिस्टेंस लगाना पड़ा, जिससे कि ये डी हो गया और ये काम करने लगा। ये काम सही हिसाब से कर रहा है, सही कर रहा है काम। अब इसमें हो क्या रहा है आपको ये बताता हूँ, देखिए। मैंने ये प्लग लगाया, देखिए इसमें हीटर चालू हो गया, ये इसका हीटर चलेगा। यहाँ पर देखिए पिक्चर आ रही है, ब्लिंकिंग हो रही है बार बार, किस तरीके का फॉल्ट आता है कभी, तो देखिए पिक्चर क्लियर आ रही, कभी ये चली आ रही, कभी आ जाती है, तो बार बार यही होता है। ये चली गई पिक्चर, अभी आ रही है इसके लिए फिर आ गई, तो ये बार बार होता है। कभी कभी क्या होता है, लेट पिक्चर आती है, कभी कभी लेट पिक्चर आती है, कभी कभी आती ही नहीं पिक्चर, ब्लिंकिंग टाइप की होती रहती है। तो ये फॉल्ट कहाँ का है, एक्चुअल में ये फॉल्ट हीटर का फॉल्ट होता है, क्योंकि ये हीटर इसकी पिक्चर ट्यूब जो है ये वीक हो गई। तो क्या करना पड़ेगा, यदि आप इसके हीटर के वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये क्लियर आ जाएगा, या कुछ देर आप ये चलाते रहेंगे टीवी 10-15 मिनट तो अपने आप क्लियर हो जाएगी, पिक्चर भी क्लियर आ जाएगी, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, कुछ नहीं, पिक्चर भी क्लियर और साउंड भी क्लियर रहेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि अपन सुबह सुबह इसको चालू करते हैं तो साउंड तो क्लियर रहता है, तो पिक्चर नहीं आ पाती है, आती ही नहीं, वीडियो करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, पर धीरे धीरे कुछ देर बाद आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कनेक्शन करना पड़ेगा, हीटर वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। हीटर वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, आइए आपको बताता हूँ। इसमें देखिए ए सी आर टी बेस है, इसमें यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, ये 1.19 ओम्स का है, ये लगा हुआ है। इसको सबसे पहले तो ओपन करेंगे, ये देखिए सबसे पहले ये ग्राउंड का पिन है, ये ग्राउंड के लिए वायर लगा दिया मैंने, ये ग्राउंड के लिए पिन लगा दिया, ये आ गया। ये इसको पलटा, वापस डिकोजिंग कॉइल लगा देते हैं, ये वायर जो है अपने बेस के वो भी लगा देते हैं, कनेक्शन अलग, ये वायर मैंने निकाल लिए। ये जो वायर है बूफर के लिए गया है, इसमें बूफर लगा, बूफर अलग से लगता है, बैक कवर में लगता है, ए सी आर टी बेस मैंने फंसा दिया। तो वापस ये आउट, ये वीडियो आउट है बाहर का, आगे का ये स्पीकर कनेक्शन ये लगा दिया। अब देखिए मैंने यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकाल दिया, मैंने आपको बताया था ये रेजिस्टेंस, ये है ये रेजिस्टेंस मैं निकाल रहा हूँ, देखिए आपको ये। अब ये निकालने से क्या होगा,
यूएसटी से वोल्टेज आना बंद हो गया हीटर के लिए, ये एक्सटेंस निकाल दिया मैंने, इससे कि हीटर से हीटर के वोल्टेज आना बंद हो गए। अब मैं इसको चालू करता हूँ, ये लगा दिया मैंने, ये चालू है, ये देखिए ये मीटर है, ये वोल्टेज मैंने नापा, ये इसको चालू करें, ये आ गया, ये वोल्टेज बता रहे हैं यहाँ पर, ये लगा है, ये वोल्टेज आ रहा है अभी यहाँ पे, ये 2 वोल्ट करीबन आ रहे हैं, देखिए ये बता रहे हैं। अब इसको मैं इसको बंद करता हूँ और हीटर से यहाँ यूएसटी की कोर से ये मैं देखो ये वोल्टेज बना रहा हूँ, ये कम से कम 5 वोल्टेज में बनाऊँगा मैं, 5 वोल्ट बना के इसके बाद दूंगा मैं क्या होता है। ये एक टर्न हो गया, इससे वोल्टेज नापते जाएंगे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ये जो भी वोल्टेज आएंगे वो एसी आएंगे, डीसी नहीं आएंगे, याद रखिएगा। ये मैंने ये तीसरा टर्न लगा रहा हूँ, अब तीन टर्न लगाने के बाद मैं वोल्टेज नाप लेता हूँ कितना आ रहा है इस पर। अब देखिए मैं यहाँ पर वोल्टेज नापूंगा, ये मैंने ध्यान से लगाया मीटर में, अब देखिए ये एसी वोल्टेज नाप रहा हूँ यहाँ पर, ये अभी 3 वोल्ट बता रहा है, तो वोल्टेज बढ़ाना पड़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ वोल्टेज नाप रहा हूँ, ये वोल्टेज आ रहा है, डीसी नापना पड़ेंगे इसको, ये एसी नापना पड़ेगा, सॉरी देखो ये एसी वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ, ये 4.5 वोल्टेज करीब आ रहा है, 5-6 वोल्ट आ रहा है। अब मैंने ये टर्न लगाया, इसके बाद मैं यहाँ पे नाप रहा हूँ, देखिए ये भी वही कितने वोल्टेज आ रहे हैं, वही वोल्टेज आ रहे हैं, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको और बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको बंद करता हूँ। हमेशा काम जो भी करें टर्न लगाएं बंद करके ही लगाएं, इसके बाद में एक और टर्न लगा रहा हूँ, ये मैंने लगा दिया एक टर्न, अब मैं वोल्टेज नापता हूँ कितने आ गए इसमें, ये मीटर लगा रहा हूँ, ये लगाया और ये देखिए यहाँ पे आ गए 5.4 वोल्ट, यहाँ बताइए ये 5.4 या 5.5 वोल्ट ही समझ लीजिए, ठीक है। इसको मैं अब हीटर की जगह पे लगाता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ से हीटर ओपन है, ये मैंने हीटर के लिए वोल्टेज दिए, यहाँ ये हीटर के वोल्टेज दे दिए, देखिए इसके बाद इसको मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए ये लगा दिए, हीटर चालू हो गया। अब मैंने इसको वीडियो ये भी करता हूँ, ये आगे कितने स्थिति है। अब देखिए ब्लिंकिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब ये फॉल्ट हीटर का था, हीटर वोल्टेज बढ़ने से क्लियर हो गया। तो आपको ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले यदि आपके पास
डी वाला ट्रांजिस्टर नहीं है तो कैसे लगाना है। दूसरी चीज़, यदि हीटर वोल्टेज बार बार ब्लिंकिंग हो रही है तो हीटर वोल्टेज बढ़ाने से ये ठीक हो जाता है एक बार। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये सब समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।